बंधुकोण आगको आसिबा को जाउछि पंचुक जहाँ नवेम्बर 15 रो आरंभ होई नवेम्बर 19 तारीख पर्यंत रहिबो। कार्तिक मास शुक्लपक्ष एकादशी ठारु पुरुष स्त्री युवक एवं युवती समस्ते दृढ़व्रत भावे प्रातः स्नान सहित 5 दिन व्यापी पंचुक पालन करती। पितामह भीष्म वासुदेव कृष्ण ठारु प्रतिवर्ष कार्तिक मासर शेष 5 दिन व्रत रखी पंचुक पालन करिबार कहिथिले। सही अनुसारे व्रतर नामकरण भीष्म पंचक बोली होइअछि। तेबे बंधुकण जदि आपण निजर सब मनस्कामना वा इच्छा पूरण करिबाकु चाहुथिले एही पंचुक 5 दिन रे करंतु। केवल 5टी काम घरे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। माँ लक्ष्मीकर कृपारे आपणकर घरे सर्वदा सुख समृद्धि बढ़ी चलिबो। एवं एहा सहित भिडियो रे आमे जानिबा पंचुक समय रे केउ 5टी काम आमको भूल रे भी करिबा उचित नुहे, नहले माँ लक्ष्मीकर क्रोधर शिकार होइजिबे। घरे धनर घोर अभाव रहिबो, सेथिपाई आपणको अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा परबर ए भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसतिबा बेल रा आइकन को मध्य प्रेस करंतु। प्रथम उपाय, कार्तिक मास पंचुक रे प्रभु राधाकृष्णकर पूजा अर्चना करंतु। पूजा करिला बेले राधाकृष्ण को तुलसी काठरे चंदन घोरी लगांतु। एहा करिबा द्वारा प्रभु राधाकृष्ण आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती। नंबर 2, बंधुकण महापंचुक 5 दिन आपण सूर्योदय हेबा पूर्वरु सकाळ भोर भोर उठी निजर घर सफा करिनियंतु। एहा परे घर बाहर चारिपटे बाड़ी बगीचा मंदिर बा किछि स्थान जहाँ आपणकर घर पाखरे थिबा ताकु झाड़ूरे ओळै सब सफा करिनेबे। सबुआड़े झाड़ूरे ओळै परिष्कार रखिबा द्वारा भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी खुशी होई तांकर कृपादृष्टि आपणकर उपरे पकाइथांती। काहिंकि ना माँ लक्ष्मी सबुबेले परिष्कार बा स्वच्छ स्थान रहिबाकु इच्छा करिथांती। नंबर 3, आपण एही पंचुकरे सूर्योदय हेबा पूर्वरु प्रातः स्नान करी चौरा पूजा बा तुलसी पूजा करंतु। पूजा करि सारिबा परे आपण चौरा पाखरे बा राधाकृष्ण को पाखरे मुरुचरे किछि रंगोली बनांतु एवं सेही मुरुचरे पंचुक बोली मध्ये लेखंतु। एवं एहाकु पंचुक 5 दिन प्रतिदिन सकाळ पूजा सारिबा परे करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर सब मनस्कामना पूरा होइथाय एवं आपणकर सेही दिनटी अत्यंत शुभर जाइथाय। नंबर 4, कार्तिक मास पंचुक 5 दिन रे भगवान श्री जगन्नाथक पाखरे नील अपराजिता फूल नहीं अर्पण करंतु। एहा करिबा द्वारा श्री जगन्नाथकर महिमा आशीर्वाद आपणको प्राप्त हेबो। काहेकिना नील अपराजिता फूल प्रभु जगन्नाथकर प्रतीक होइथाय, तेणु एहाकु श्री जगन्नाथक पाखरे अर्पण करिबा द्वारा भगवान जगन्नाथ आपणकर उपरे प्रसन्न होइथांती। नंबर 5, पंचुक 5 दिन रे शेष दिन डंगा भसा दिन होइथाय। एही दिन छोटरु बड़ जाए समस्त डंगा किणी ताको पूजा करी नई किंबा पोखरी रे भसाई थांती। बंधुगण आपण जदि एही दिन कदळी पटुआ रे डंगा तयारी करी भसाइबे तेबे आपणकर सब इच्छा सब मनस्कामना बहुत जल्दी पूरण होइथाय। किंतु जदि आपण पेपर रे तयारी किंबा सोलर तयारी डंगा किणी भसाइबे ताहले ध्यान रखिबे कि आपण जेउ दीप महामबती सेथिरे लगाइथिबे ध्यान रखिबे कि ताहा किछि बाट भासी जाय ताहा जेमिति जळि न जाय। एहा हेबा द्वारा आपणकर मनस्कामना सेमित अधुरा होइ रहि जाय। काहेकि ना डंगा चळि जिबा गोटिए अशुभ प्रकारर संकेत देइथाय, सेथि लागि आपण कदळी पाटुआरे डंगा भसाइबा सबुठारु भल होइथाय एवं अत्यंत शुभ होइथाय। बंधुगण एबे जानिबा महापंचुक समय रे केउ काम को करिबा उचित न थाए। 15 नवेम्बर ठारु आरंभ हेउछि महापंचुक जहा नवेम्बर 19 तारिख पर्यंत रहिबो। एही पंचुक रे भूलरे मध्य करंतु नाही एही 5 गोटी काम। भारतीय परंपरा अनुसारे कोनोसी शुभ कार्य करिबा पूर्वरु ज्योतिष गणना करी शुभ एवं अशुभ मुहूर्त स्थिर करा जाय थाए। ज्योतिषक अनुसारे शुभ मुहूर्त रे करा जायतिबा कोनोसी नुवा काम भल होइथाय एवं अशुभ मुहूर्त रे करा जायतिबा कोनोसी काम
अशुभ फल दे थाए। एही वर्षर पंचक पांचटी काम करिबा उचित नुहे। प्रथम कथा जाणि रखंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार पंचक खट उपरे बसी कौनसी भी मंत्र उच्चारण करने मना करा जाए, कारण यह शुभ होइन थाए। एही काम करिबा द्वारा कौनसी संकट आसी थाए, तेणु यह पंचक समय निज खट उपरे बसी कौनसी मंत्र उच्चारण करंतु नाही। द्वितीय हेउछि पंचक जो समय धनिष्ठा नक्षत्रर समय होइथाय सही समय रे घास काठ एवं जलुथिबा वस्तु मानकु एकाठी करंतु नाही, एहा अशुभ होइथाय। एहा छडा पंचक रे मध्य दक्षिण दिगकु यात्रा करिबा उचित माना चाहि नाही, कारण एही दिगरे जमंकर वास होइथाय। तेणु एही 15 नवंबर ठारु 19 नवंबर पर्यंत कौनसी दक्षिण दिगकु यात्रा करंतु नाही। चतुर्थर हेउछि पंचकर जेबे रेवती नक्षत्र लागिथाय सही समय रे घरर छात बनाइबा उचित होइन थाय, तेणु एही समय रे केबे भी घरर छात को करंतु नाही। पंचमरे वा शेषर हेउछि एहा मध्ये शास्त्र रे उल्लेख रहिछि पंचकरे सबर अंतिम संस्कार करिबा पूर्वरु कौनसी योग्य पंडितर परामर्श नेबा दरकार। एहा छडा केतोटी शुभ कार्य मध्ये एही पंचक दिन रे कराचिबा दरकार। किछि नक्षत्र रे पंचक लागिबा द्वारा शुभ कार्य मध्ये होइथाय, एणु एही दिन गुड़िक रे व्यापार निर्बंध विवाह आदि करिले शुभ फल होइथाय। तेबे ज्योतिर्विद अनुसार एही पंचक समय रे एही सब कार्य प्रति विशेष भाव ध्यान देबा आवश्यक होइथाय। तेबे आपनकु जदि भिडियोटि भल लागिथाय ताहेले तळे थिबा आम कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।